हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम इन दिस डेली करंट अफेयर क्लास गईस ओके तो लेटस सी कि आज ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए क्या हमारे पास करंट अफेयर है वी आर बेसिकली कवरिंग द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस ओके जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास एडिटोरियल हैं वो कवर कर रहे हैं और इसके अलावा जो काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं या प्रम्स स्पेसिफिक न्यूज है वी आर कवरिंग दैट इज चलिए शुरू करेंगे इफ ऑल इज फाइन प्लीज गिव हम्सअप And please do share the session so that everybody can join us. देखो आपकी जो क्रैक प्रॉब्लम एम क्यू सीरीज है शुरू हो चुकी है तो चैनल पे जाके देख लेना उसका एक सेशन ऑलरेडी हमने ले लिया है टुडे देर विल बी अनदर क्लास है ना? अगेन द टाइमिंग विल बी सेम नौ बजे हम उसको रखेंगे नौ बजे आपका रहेगा हेलो नितिन हेलो मिश्रा गुड मॉर्निंग हेलो सुमन आई चोट यू आर डूंगल हेलो मिश्रा हेलो विराज टू सी चलो सेशन कंटिन्यू करते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट टू डेज बट आई थिंक वी कैन कंटिन्यू फीलिंग बेटर इन कंपैरिजन तो लेते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सरोगेसी पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है टॉक जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन दिया है जो कानून था है ना एक्ट था काफी बदलाव किए गए थे ट्वेंटी तो उसके उसके तो आपका लिंक हो जाएगा एम आर के एच सिंड्रोम दोनों एक से एक दूसरे से रिलेटेड न्यूज है पे चर्चा है आपने सुना ही होगा काफी दिनों से चल रहा है महुआ मोहित्रा मो, वाला जो इशू है पी e. की सांसद हैं लोकसभा में

न्यूज आ रही है आपने देखा भी होगा दो दिस न्यूज इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द एग्जामिनेशन विल टॉक अबाउट दिस कैसे चीजें होती है उसको थोड़ा समझ लें प्रस्पेक्टिव से ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन पॉल्यूशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर एक अगर आप देखोगे थिंक टैंक है तो आगे तो आगे तो आगे आगे। वो कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो आप जा तो रहे हो तो 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 दिस विल क्रिएट द पॉल्यूशन ट्रबल है ना थोड़ी वहाँ पे इशू होगी टैक्स बेस को लेके न्यूज है सिम कार्ड वाला जो आपने कहा था कि सर हमारा हो नहीं पाया था ट्राई टू कवर दैट सिम कार्ड थिंग इज वेल तो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको लेते हैं कैक करके जी. Uh, जो नए बच्चे हैं मेक श्योर कि यार आप uh, टेलीग्राम चैनल ये है इसको ज्वाइन कर लेना सो यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग पीडीएफ क्लास और ये सारी चीज़ें क्वालिटी पेपर टू पे आ जाते हैं इथिक्स कमिटी को लेके इशू हैं और आपने देखा होगा काफ़ी uh, लंबे समय से यहाँ पे चल रहा था कि क्वेश्चन पूछने के लिए है ना क्वेश्चन पूछने के लिए ने कैश लिया है इस तरह के एलिगेशन थे इस तरह के चार्जेस थे ई एम सी के एम महुआ मोइ्रा के ऊपर क्लियर तो कैश फॉर क्वेश्चन चार्जेस लेवल किए गए थे एक बीजेपी के एमपी है उन्होंने यहाँ पे इन पे चार्जेस लगाए उसी को लेके ये जो मैटर है अब लोकसभा की इथिक्स कमेटी में चला गया है उसको लेके अब चर्चाएं हैं हमारे पास थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि इथिक्स कमेटी किस किस तरह के मुद्दों को लेती है क्या है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिविलेजेस कमेटी क्योंकि प्रिविलेज जो कमेटी होती है वो भी इसी तरह के मुद्दों को देखती है थोड़ा सा ओवरलैप करता है तो इन चीजों को समझ लेते हैं हालांकि हिंदू में ये न्यूज तो है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट इज नॉट देयर सो विट द कंटेंट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस सेम टॉपिक पे पे इसने अच्छा यहां पे दे रखा है देखो तो इथिक्स कमेटी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है आपकी सबसे पहले कहाँ पे इथिक्स कमेटी एस्टेब्लिश हुई पहले इथिक्स कमेटी एस्टेब्लिश हुई राज्यसभा में हमारी पार्लियामेंट बाई कैमरल है, है ना दो चैम्बर्स हैं एक है लोकसभा एक है राज्यसभा तो पहले राज्यसभा में एग्जिस्टेंस में आती है नाइनटीन के अंदर और फिर लोकसभा में भी इसकी बात की गई लेकिन लोकसभा में ये सन 2000 के अंदर ही ओके इन ईयर 2000 थाउजेंड ही एग्जिस्टेंस में आती है और वो भी एडहॉक कमेटी के रूप में आ, आपका रहते हैं हालांकि फिर बाद में 2015 में एक तरह से इसको फुल टाइम के रूप में कर देते हैं गेटिंग दिस परमानेंट पार्ट ऑफ द हाउस हाउस मतलब लोकसभा का जो है वहां परमानेंट पार्ट के रूप में दो में बनता है लेकिन इथिक्स कमेटी लोकसभा में बाद में आती है

फिर है कि अपॉइंट कौन कर रहा है मेंबर्स ऑफ द एथिक्स कमेटी आर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एक साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे यहाँ पे जो इनको हेड कर रहे हैं ठीक है इनको जो हेड कर रहे हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उसी का मेंबर उसी के सांसद इसको हेड भी कर सकते हैं एथिक्स कमेटी को जैसे यहाँ पे कर रहे हैं नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि ये एम विनोद जी हैं या जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से ये ध्यान रखो रूलिंग पार्टी के जो एम है वो हेड कर सकते हैं क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऐसा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पैक जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और जो करप्शन रिलेटेड चार्जेस को देखती है उसके अंदर क्या है क्या रूलिंग पार्टी के वहां पे उसको हेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू क्या उसको कर सक आज यार हाँ गला थोड़ा सा खराब है आ, मैंने कहा था कि फीवर वाला इशू चल रहा है अभी सर्दी जुकाम और ये सारी चीज़ें मौसम चेंज हुआ है थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं रखा तो ये इश्यूज आते ही हैं इस सीज़न में है ना मौसम का बदलाव है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इज चार पांच दिन एक हफ्ता आपका बड़ा बुरा निकलता है गला थोड़ा खराब है बट स्टिल आई थिंक आवाज तो समझ आ रही है ना ये बता देना कि सर <laughs> आप बोले जा रहे हो आप ही को समझ आ रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है वॉइस इज प्रॉपर समझ पा रहे हो वॉइस को थोड़ा सा लगेगा हाँ कि थोड़ी डल है या थोड़ी आवाज़ भारी है वटेवर समझ तो आ रहा है ना पता चला कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है समझ आ रहा है ठीक है ग्रेट यस का डिफरेंट है ना कमिटी में ये ध्यान रख लेना देखो जितनी भी कमिटीज है ना आज चाहे होमवर्क के रूप में इसको ले लेना uh, आपकी जो लक्ष्मीकांत सर की बुक है उसमें से पढ़ो बहुत अच्छा है अब और इन अफवाहों पे ध्यान मत दो कि अब लक्ष्मीकांत सर की बुक से क्वेश्चन नहीं आते आतेटेंट नहीं है मत के वो बुक अभी भी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से चीजों को दिया हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स ना सो दिस बुक इज स्टिल एज रेलेवेंट जितना पहले थी हाँ कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से हैं कि भी तैयारी कर लेंगे लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है ना कि अब उस बुक को ही फेंक दिया आपने वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा बच्चे तो या आ गया आपका स्पीकर एक साल के लिए है रूलिंग पार्टी जो है उसके एम पी हेड कर सकते हैं फिर राज्यसभा के अंदर किस तरह से आया आपने देख लिया रूल्स एप्लीकेबल टू कमेटी ऑफ प्रिविलेज जो कमेटी है उसी के रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं फाइन कमेटी कमेटी नॉट एंटरटेन देखो अब कमिटी में कोई भी जो आ, केस आएगा जैसे महुआ मोत्रा वाला या कोई भी केस है तो सबसे पहले तो जो कमेटी है वो ऐसे ही कोई मीडिया में न्यूज उछल गई है ना कोई भी न्यूज चल गया किसी ने किसी पे एलिगेशन लगा दिया इस इस आधार पे उस केस को नहीं ले लेगी यहाँ पे ये देखेगी कि क्या वो जेन्यून केस है वाकई में ना तो कम्प्लेन जो है केवल मीडिया बेस के आधार पे नहीं है कुछ साक्ष्य होने चाहिए कुछ रिलायबल एविडेंस होने चाहिए जिसके आधार पे ये प्रूव हो रहा है कि हाँ वाकई में कुछ वहाँ पे हो सकता है तो तब ही लिया जाएगा प्राइमा फेसी कमेटी अगर देखती है इंक्वायरी अपनी करती है प्रथम दृष्टिया उसको लगता है कि हाँ यार इवेल्युएशन कर रहा है हमने कंप्लेन जेन्युन है इसको ले लेते हैं प्रेजेंट अपनी रिपोर्ट किसको करेगी जो भी हेड वहाँ कर रहे हैं जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में स्पीकर है और राज्यसभा में जो भी चेयरपर्सन है उस तरह से उनको रिपोर्ट देगी और जो भी एक्शन लेने लिए जाने होंगे उनका वहां पे मेंशन करेंगे देर इज ऑल्सो द प्रोविजन फॉर हाफ आवर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इसका भी प्रोविजन है कि इस रिपोर्ट पे अलग से आधा घंटे का डिस्कशन हो सकता है क्लियर हो गया वर्क ऑफ द द्स कमेटी एंड प्रिविलेज कमेटी ओवरलैप करते हैं प्रिविलेज कमेटी क्या करती है देखो जो भी संसद के अंदर सांसद हैं उनको क्या है उनको एक तरह का ये प्रिविलेज है ये एक तरह का राइट है कि यार आप है ना यहाँ पे वर्क कर रहे हो संसद के अंदर जैसे मान लो कुछ भी आप बोल रहे हो तो आपने कुछ वहां पे बोला डिस्कशन में डिबेट में को आधार बना के ऐसा नहीं कि आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया कुछ कर दिया तो आपको कुछ इम्यूनिटीज हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं है ना ताकि आप आ, अपनी जो ड्यूटी है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि के रूप में आपका जो दायित्व है ड्यूटी है उसको फुलफिल कर सको बिना किसी डर के ये कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जब इसमें यह होता है प्रविलेजेज so, इंडिविजुअल भी होते हैं एज ए हाउस कलेक्टिव भी होते हैं जब ये होता है कि किसी मेंबर ने उस प्रिविलेज का वायलेशन किया है या बाहर का कोई व्यक्ति है पार्लियामेंट का उसने कुछ इस तरह का काम किया है जिससे कि उसका जो प्रिविलेज है या अथॉरिटी है डिग्निटी है पार्लियामेंट की वो क्या हो रही है वो वायलेट हो रही है उसको नुकसान पहुंच रहा है तो फिर ये प्रिविलेज कमेटी के पास इस तरह के मैटर जाते हैं डिफरेंस तो कहाँ पे पता चल गया डिफरेंस ये पता चल गया कि इथिक्स कमेटी जो है केवल और केवल मिसकंडक्ट एम का कोई मिसकंडक्ट है उसके केसेस को ले सकते हैं जबकि यहाँ पे जो प्रिविलेज कमेटी है ओके okay, तो वो तरह से एम के केस में भी ले सकते हैं या बाहर की कोई इंडिविज ऐसी अथॉरिटी है बाहर की कोई ऐसी एंटिटी है जिसने प्रिविलेज को वायलेट किया हो ब्लीच ऑफ प्रिविलेज का केस हो तो उसको भी ले सकती है ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन जनरल देखोगे देखो इथिक्स और प्रिविलेज कमेटी का क्या ये है ये अगर थोड़ा समझे देखो तो इथिक्स कमेटी ये इंश्योर कर रही है कि यार जो भी एम पीज है ना वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करें ना एक्शन इस तरह से रखें जो कि थोड़ा सा इथिकल हो गलत तो तो तरीके से चीजें ना हो और अगर सीरियस एलिगेशन होते हैं करप्शन के तो कुछ भी सीरियस चार्जेस होते हैं चांसेस आर मोर कि वो प्रिविलेज कमेटी के पास ही जाएगा है ना इथिक्स कमेटी के कंपेरिजन में प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा और प्रिविलेज uh, कमेटी के अंदर अगर आप देखोगे लोकसभा में आई थिंक फिफ्टीन मेंबर हैं राज्यसभा में आई थिंक टेन मेंबर कमेटी ये है थिक्स कमेटी को एक बार देख लेना ऐसा मेंबर लाइक -like कुछ है कि मुझे याद नहीं आ रहा है और जहाँ तक इस आर्टिकल की बात करें इसमें भी ऐसा कुछ मैंशन नहीं है ट्राई टू ओके लुक फॉर दिस काइंड ऑफ स्मॉल इन्फॉर्मेशन आज आपका होमवर्क है उसको कर लीजिएगा आपका लक्ष्मीकांत सर की बुक से नहीं इसमें कंटेम ऑफ कोर्ट और ये वाली चीज़ें नहीं लगती हैं जो भी उनका एक्शन है है ना वाइल डूइंग द डिबेट्स एंड ऑल

सुप्रीम कोर्ट अलाउज द सरोगेसी दिस इज इन द हिंदू अगेन सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी अलाउ की है किस केस में देखो तो एक कपल है है ना वो यहाँ पे कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और इनको प्रयास कर रहे थे और यहाँ पे कुछ एक यूनिक सा केस बनता है है ना वहाँ पे जो महिला है ठीक है उनको एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है रेयर मेडिकल कंडीशन है उस मेडिकल कंडीशन को नाम दिया गया एम सिंड्रोम इसको कहते हैं है ना मतलब वुमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसको एम आर के एच या मेयर रॉकटेंसी कुस्टर हॉशर सिंड्रोम ये पूरा इसका नाम है केवल uh, प्रॉब्लम्स के perspective से नाम रखो कि अजीब सा नाम है हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज है इसमें क्या होता है महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पेशली जो यूट्रस होता है गर्भाशय है वो आपका नहीं होगा या प्रॉपर डेवलप नहीं होगा फाइन अंडर डेवलप होता है एबसेंट भी हो सकता है एक्सटर्नल जो जेनाइटल्स हैं है ना वुमन के वो सारा नॉर्मल रहेगा लेकिन यहाँ पे यूट्रस अगर नहीं है अंडर डेवलप्ड है तो फिर वो कंसीव कन, नहीं कर सकती है ना या फिर वो ओवुलेशन नहीं होगा काफी सारी महिलाओं में ये जो सिंड्रोम है उनके केस में देखा जाता है कि एग्स नहीं बनते हैं ओवुलेशन नहीं है या फिर जो पीरियड्स होते हैं मेंस्ट्रुअल मैस्ट्रोएशन जो होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आर नॉट देयर तो जब यूट्रस ही नहीं है तो फिर वो वुमन एग नहीं बन एग नहीं है एग नहीं है तो वो खुद कैसे कंसीव करेगी यूट्रस में अब हैं है या फिर खुद के एग को वो भी नहीं कर सकती ना जनरली क्या हो रहा है अभी जो ए आर टी टेक्नोलॉजीज हैं क्या आपको पता है ए आर टी में क्या होता है देखो तो दोनों में फर्क है सरोगेसी और ए आर टी में क्या होता है सरोगेसी में क्या होगा दो तरह से चीजें होंगी द थिंक इज दैट सरोगेसी में जो भी कपल है मेल है फीमेल ठीक है, है तो मेल का स्पर्म होगा फीमेल का एग होगा ओके okay, इनके खुद के होंगे मतलब जो ये पेरेंट्स हैं इनका बायोलॉजिकल रिलेशन उससे चाइल्ड से दोनों का है मदर फादर का ठीक है अब ये जो है इन विट्रो जो भी इन्होंने किया इस तरीके से फिर जो मदर है वो तो पूरा जो बेबी नौ महीने के लिए उसको ऐसा प्रेगनेंसी बियर नहीं कर सकती है तो फिर ये क्या करेंगे एक सैरोट मदर होगी सैरोगेट मदर यहाँ पे उनको ये पूरा प्रेगनेंसी करके इस तरह से देंगे दूसरे केस में क्या होता है जो ट्रेडिशनल सेंस है उसके अंदर जो एग होता है ये डोनेट किया जाता है एग डोनेशन मतलब जो एग होता है ये भी सरोगेट मदर का है बायोलॉजिकल रिलेशन है ना मदर से नहीं है लेकिन फादर से है केवल फादर से है क्योंकि एग किसका हो गया एग जो है वो सरोगेट मदर का ही हो गया और सरोगेट मदर ही वो प्रेगनेंसी नौ महीने की और फिर बाद में बच्चे का इस तरह से जन्म हो रहा है आ गया तो ये तो हो गई सरोगेसी की कहानी लेकिन जो ए आर टी टेक्नोलोलॉजी होती है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी सारे अदर मेथड्स भी आते हैं जैसे आप देखोगे आई आई वी ट्रीटमेंट आई वी एफ जो ट्रीटमेंट होता है इनविटर फर्टिलाइजेशन है ना उसके अंदर ये बहुत चल रहा है अभी तो आई वी एफ तो ये आई वी एफ और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आती हैं तो ए आर टी ट्रीटमेंट में जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन जैसे यहाँ पे सरोगेट मदर को आपने इंक्लूड किया उस तरीके से थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे थर्ड पर्सन को इंक्लूड करें गेटिंग दिस लेकिन सरोगेसी के अंदर तो थर्ड पर्सन इंक्लूड है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है अब हो क्या रहा है यहाँ पे भारत सरकार ने एक कानून पास किया था यू हैव दिस सरोगेसी रेगुलेशन uh, एक्ट का ही कानून है और ये क्या करता है जो तो भी सरोगेसी रिलेटेड इशूज हैं या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वेयर थर्ड पर्सन है वुमन इज द सरोगेट मदर उनको ये रिलेट कर रहा है ना उनके रेगुलेशन की यहाँ पे बात कर रहा है कुछ चीजें चेंज की गई जैसे सरोगेसी अलाउड फॉर द इंडियन मैरिड कपल्स ओनली एआरजर्स ओपन टू द मैरिड कपल्स लिविन पार्टनर सिंगल वूमन एंड फॉरनर्स ये समझ आ गया कि ए आर टी ट्रीटमेंट में और बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि सरोगेसी के अंदर कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स है वो क्या रहा है यहाँ पे भारत ने क्या चेंज किया कानून में इंडिया ने कहा कि यार हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो फॉरनर्स है या जो रिच नेशन के लोग हैं या जो रिच पर्सनस हैं Uh, they are uh, okay uh, creating the kind of huge issue और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से commodification हो रहा है woman का वुमन का commodification हो रहा है कई जगह पे exploitation भी है ना काफी सारे इस तरह से इंस्टांसिस देख रहे हैं जो ओवरऑल वुमेन के परस्पेक्टिव से हम बात करें तो अच्छा नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और कहा कि ये जो सैरोगेसी का कानून है दो वाला यहाँ पे अब केवल सैरोगेसी अलाउ की जाएगी किसको इंडियन ओरिजन के जो कपल्स हैं उन्हीं को वो तो इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो आर नॉट इंडियन ऑरिजन तो इंडियन ऑरिजन के नहीं है उनको ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पहले क्या है कोई भी फॉरनर है या कुछ भी है वो आ रहे हैं इस तरह से सरोगेसी का यूज़ कर रहे हैं फिर कई बार बीच में रह जाता है कि हाँ जो बच्चा बोर्न होगा पैदा होगा वो किसको जाएगा नहीं जाएगा तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो तो वो नहीं थे फाइनली सरकार ने ये डिसाइड किया कि यार हम जो है कमर्शियल सेरोगेसी के बजाय कमर्शियल सेरोगेसी में वुमन को ही नुकसान हो रहा है तो हम इसको इथिकल एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी से रिप्लेस कर देंगे और इस इस आ, हमारे प्रयास के अंदर अब केवल और केवल इंडियन के जो कपल्स हैं वही सरोगेसी का फायदा ले सकते हैं तो ये तो नॉर्मल चीजें ये सब चल रही थी ठीक है लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या किया एक और बदलाव किया एक अमेंडमेंट किया ये जो एक्ट था इसके अंदर एक बदलाव किया गया दो के अंदर दो में सरकार ने क्या किया अमेंडेंट विद पैराग्राफ वन डी ऑफ द सरोगेसी टूल्स ट्वेंटी उट दूस द डोनर एग सरकार ने क्या कहा इसको सिंपल टर्म में ऐसा समझते हैं गवर्नमेंट बेसिकली से अगर आप सेरोगेसी के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बायोलॉजिकली रिलेटेड होने चाहिए ठीक है कि मदर जो है उसका एग होगा और फादर का स्पम होगा एग डोनेशन वाला जो केस है उसको इसने रूल आउट कर दिया चेंज करा है ठीक है चेंज करा है कानून के और इन सब के आने के बाद में तो यहाँ पे अब जो महिला हैं ये जो महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गई है वो कह रही है कि हमारी कंडीशन ऐसी है ठीक है ये पर्टिकुलर सिंड्रोम है एम वाला सिंड्रोम है जिसमें यूट्रासी प्रॉपर डेवलप नहीं है तो महिला अपने एग जो है खुद के एग उसके नहीं बनेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा एग तो लेना पड़ेगा एवोगेट मदर का जो एग डोनेशन वाला केस है वो तो उसके लिए जाना पड़ेगा लेकिन सरकार ने तो रूल बदल के मना कर दिया कि एग डोनेशन तो होगा ही नहीं तो फिर मामला फंस गया ठीक है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस सरोगेसी को अलाउ करता है कि वो एग जो है दूसरी उनका ले सकते हैं सरोगेट मदर का एग ले सकते हैं ठीक है उसमें कुछ नहीं है हालांकि सरकार ने उसको बैन किया हुआ है डाउन द रूल बैनिंग यूज ऑफ द डॉनर गैमेट्स सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यार एक्सक्यूज मी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने पहले ही कानून बना रखा है ठीक है आपका जो कानून है जो 2021 वाला जो अभी मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी है ना ये वाली स्लाइड्स पे तो 2021 वाला जो एक्ट है जो कानून है उसके अंदर आपने पहले से मेंशन कर रखा है कि रिकॉग्नाइज द सिचुएशन कि अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन होगी है ना विच रिक्वायर द कपल टू ऑप्ट फॉर गेस्टेशनल इन ऑर्डर टू बिकम द पेरेंट्स तो फिर यहां पे ये डोनेशन और ये सब चलेगा तो ये कह रहे हैं कि जो लॉयर हैं वुमन के बिहाफ पे जो थे उन्होंने भी कहा कि रूल मेड इट क्लियर दैट चॉइस वाज सोलली दैट ऑफ द वुमन और कैन नॉट बी ये जो इस तरह से आपने चेंज कर दिया उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये जो कपल है ये जो आपने बदलाव किया है उससे पहले से ये इस प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं फिर उस प्रोसीजर के बीच में आपने ये कानून ला चेंज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने वुमन को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है है तो ना आप जो है डोनर जो एग्स हैं उनके लिए जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका थोड़ा इंप, इंप, जो इंटरप्रिटेशन है उसको बदलाव कर लो चेंज कर लो आप ये मान रहे हो कि पेरेंट्स से बायोलॉजिकली रिलेट होना चाहिए तो अभी भी बच्चा पेरेंट्स से बायोलॉजिकली रिलेट है उसमें यह है कि फादर से ही बायोलॉजिकली रिलेट होगा जो तो एग है वो डोनर मदर का आएगा बट तो स्टिल बच्चा तो रिलेट है ना रिलेट कर रहा है वो बायोलॉजिकली फादर इज देयर तो इससे मेडिकल कंडीशन है अंदर आपको अलाउ करना पड़ेगा द अमेंडमेंट कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द रूल फोर्टीन रूल फोर्टीन है ओरिजिनल एक्ट का विच स्पेसिफाइक स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एबसेंस ऑफ यूट्रस एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन

उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान थे एजुकेशन के रिफॉर्म को लेके अब सरकार यहाँ क्या, क्या क्या कह रही है कोई बच्चा है मान लो क्या है जिसने फर्स्ट सेकंड क्लास करी है किसी एक स्कूल से फिर स्कूल चेंज होता है कई बच्चों का तो स्टेट चेंज होता है राजस्थान से किया फिर एम में चले गए फिर यूपी में गया कभी तमिलनाडु जाना पड़ रहा है ठीक है कभी गुजरात जाना पड़ रहा है तो फिर उसमें ये भी रहता है और हमने तो अपने बचपन में देखा है ना इस तरह से हम जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कैरी करना पड़ता है कि यहाँ पे है तो टेंथ की मार्कशीट चाहिएगी इसमें वो चाहिएगा इसमें वो चाहिएगा वो सारी परेशानी अब खत्म होने वाली है सरकार कह रही है कि हम आपको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव जो हमारा है उसके अंदर एक आईडी दे रहे हैं उसको नाम दिया गया है अपार इसका फुल फॉर्म क्या है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री फुल फॉर्म भी याद रख लो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में स्टेट पीसीएस में ज्यादा कॉमन होते हैं बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि हाँ ये आपको याद होना चाहिए अपार ये नया स्टूडेंट आईडी सरकार यहाँ बना रही है और बहुत सारे स्टेट ने डिमांड करना भी शुरू कर दिया है स्कूलों को कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों की लेना शुरू करो आधार वगैरह ऑथेंटिकेट करो और ये अपार आईडी इस तरह से बनाना शुरू किया जाए तो ये क्या होगा एक तरह का स्पेशल आई होगा जो बच्चे की शुरुआत से ही चाइल्ड से ही एक उसको आई दे देंगे जब तक बच्चे की स्कूल पूरी नहीं होती है तब तक वही उसका आई रहेगा इसमें क्या होगा उसको स्कूल के लिए भी इजी हो जाएगा मान लो बच्चा एक स्कूल से दूसरी जगह पे जा रहा है जो तो भी उसका क्रेडिट है एकेडमिक क्रेडिट है वो स्कोर वहाँ पे रहेगा कि हाँ यार इसने फिफ्थ क्लास में एट्थ क्लास में इतना परफॉर्म किया ऐसा रहा तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसके पास रहेगी मेकिंग इज मेकिंग इट इजी फॉर द लर्नर स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट टू ट्रेक द एकेडमिक परफॉर्मेंस क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक आपको हेल्प कर रहा है डिजी लॉकर के अंदर भी ईजी हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रॉड होता है ना कि हाँ ये फर्जी मार्कशीट बना के डाल दी ये कर दिया वो सब बंद हो जाएगा क्यों क्योंकि इसके इसके अंदर आपका जो भी आप क्या कर रहे हो इसको लिंक कर दिया सरकार क्या कह रही है कि हम इसको अकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है आपका उससे लिंक कर देंगे और इसके अंदर क्या होगा ये जो अपार आईडी है इसको अकेडमिक बैंक क्रेडिट से लिंक किया अकेडमिक बैंक क्रेडिट मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है अकेडमिक की आठवें में इतने परसेंट ये ग्रेड ये वो वो सारी चीजें जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड है वो सब यहाँ पे फीड होता जाएगा इसमें फीडिंग कब होगी ये फर्स्ट हैंड ही होगा कि बच्चा खुद के ऑथेंटिक लेके आएगा उनका ऑथेंटिकेशन होगा और फिर वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वही यहाँ पे इनपुट के रूप में जाएगी जो भी फर्जीवाड़ा वगैरह होता है सब वो बंद ठीक है बहुत बड़ा एक उसमें लूप होल है उसको आपने प्लग कर दिया अपार ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस द फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स फर्स्ट पार्टी सोर्स से आप इसको ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे डाल रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा पॉलिसी इनपुट्स की रिगार्डिंग कि ये आपने एक बना लिया आईडी वो इंफॉर्मेशन डिजिटली भी अवेलेबल रहेगी बार आईडी के माध्यम से स्टेट्स यहाँ पे पता कर सकते हैं क्या लिटरेसी रेट है क्या ड्रॉप आउट रेट है कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं है ना किस सेगमेंट में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है वट कैन टेक टू इम्प्रूव वो एक डेटा माइनिंग को यूज करके है ना और अच्छे पॉलिसी इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हालांकि पेरेंट्स कंसर्न है कि यार आप आधार डिटेल मांग रहे हो कि लीक हो गया इंफॉर्मेशन इस तरह से रहेगी वो कंसर्न भी है आ गया समझ में चलो आगे आएंगे पेपर टू पे इंटरनेशनल रिलेशन आई में वही गाजा रिलेटेड और ये सारे चीजें चल रहा है इसराइल आज आप देखोगे फिर से एक और एडिटोरियल है जिसके अंदर वही और इन सब की बातें हैं हैं नॉट डूइंग दिस क्योंकि वो रिपीटेशन में ही जा रही चीजें ठीक है एडिटोरियल पेज पे इम्पोर्टेंट थिंक uh, आज है नहीं क्योंकि वही ओलंपिक वाली बात वापस से चर्चा में है uh, वही इसराइल वाली चीज को मैंशन किया है हालांकि हाँ एक मणिपुर पे आर्टिकल है ऑलरेडी मणिपुर हमने दो महीने तीन महीने लगातार किया कम से कम सात आठ एडिटोरियल उस पर भी पढ़ा रखे हैं आपको थोड़ा सा गैप उसमें है जो तो नए बच्चे हैं मान लो अभी आपने महीने भर पहले ही प्रिपरेशन शुरू की है उनको जरूर मणिपुर इशू पे थोड़ा सा चीज़ें समझने की ज़रूरत है देखते हैं अगर उसमें कुछ एडिशन होगा वैल्यू एडिशन मणिपुर वाले आर्टिकल में तो आपको करा देंगे बाकी कुछ है नहीं मणिपुर के अंदर आप देखोगे जो मैतेई ही कम्यूनिटी है जो मणिपुर की वैली में रहती है इन जनरल है ना और मणिपुर की वैली में ही सिक्सटी तक पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड है आसपास जो हिली एरिया है वहाँ पे नागा कुकी जो ट्राइब्स हैं वो रह रही हैं जब मैथी कम्युनिटी ने कहा भाई हमें भी ट्राइबल स्टेटस दो ना ताकि हम भी जो ये कर सकें तो फिर वहाँ से पूरा ये इग्नाइट होता है ना दोनों कम्युनिटीज के बीच में एथनिक वायलेंस और ये बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें चली कंट्रोल से बाहर निकल गया तरह की स्थिति बनी हुई थी ये एक मेजर इशू है जिन बच्चों ने शुरुआत ही करी है उनको मैंने बता दिया इस इशू को लेकर मणिपुर की जो समस्या है उसको लेके कुछ चीज़ें मैंशन है चलिए आ, आई आर पे न्यूज है तो देर वॉन्ट भी एनी का लेकिन कतर जो है, आ, कतर ने यहाँ पे भारत के जो आठ नेवी ऑफिसर्स हैं कतर का एक लोकल कोर्ट है उसने उनको डेथ पेनल्टी दी है मौत की सजा सुनाई है कैपिटल पनिशमेंट ठीक है क्या है के यहाँ पे हमारे जो नेवी ऑफिसर्स हैं आठ नेवी ऑफिसर्स थे हैं अभी भी ठीक है मतलब नेवी में वो पहले काम कर रहे थे अब किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे हैं कतर के अंदर ठीक है तो प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे और उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया पासूसी का आरोप लगा उनको गिरफ्तार किया फिर कोर्ट में केस चला और फिर इनको ये डेथ पेनल्टी दे दी थी ठीक है ये मतलब इनका अलग ही चलता है ऑफ थिंग्स आर देयर इन द मिडिल ईस्ट उनका जस्टिस सिस्टम बहुत अलग तरीके की चीजें वहाँ पे हैं इन कंपैरिजन तो देखो एक तो लोकेशन ध्यान रखो आई होप आपको ध्यान होगा कतर तो वैसे ही ध्यान होगा अल जजीरा का हेड क्वार्टर है ठीक है यू नो दिस अल जजीरा फॉर ऑल दट एवर राइट और रॉन्ग रीजन यू हैव ठीक है तो कतर है छोटा सा यहाँ पे देश है खाड़ी देश है यहाँ पे ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया जहाँ पे दुबई और ये सब आ रहा है ये ओमान है ये यमन है ये लोकेशन और ये सब ध्यान रखो यू हैव दिस गल्फ ये रेड सी आ गया मेडिटेरेनियन तो आ जाएगा यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ये इसराइल है ठीक है गाजा पट्टी हो गई सऊदी अरब है यू हैव दिस जॉर्डन इज देयर ठीक है सीरिया लेबनान इसराइल के ऊपर तो ये थोड़ा मिडिल ईस्ट का मैप है अच्छे से स्टडी करके रखो जब भी टाइम मिल जाए फ्री मन हो कुछ नहीं करना है यार तो क्या करें थोड़ा सा मैप देख लिया करो क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन मान लो कि दो क्वेश्चन तो होता ही है ना प्रॉब्लम्स के अंदर कभी कैसे कभी कैसे मिडिल ईस्ट इनका फेवरेट रहा है गोलन हाइट पे पूछा हुआ है कई बार यहाँ से पूछते रहते हैं तो दिस इज द केस अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है इंडिया के पास ऑप्शन यही है कि या तो यहाँ पे हायर कोर्ट में अपील करेगा ठीक है दूसरा है डिप्लोमेटिकली इस इशू को डील करेंगे थर्ड है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कुछ बातचीत होकर इसको मैटर को सॉर्ट आउट करें फोर्थ इंडिया के पास ऑप्शन ये बनता है कि एक इंटरनेशनल कैंपेन यहाँ पे हम बिल्ड करें इस तरह से ये चीज़ें नहीं है ये चार पांच केसेस हमारे पास बन रहे हैं ये न्यूज़ है बस थोड़ा सा ध्यान में रखो कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है बट स्टिल डायरेक्ट आएगा तो ये मैप बेस्ड लोकेशन पे बनेगा इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं देखो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ओके अगर आपको बेनिफिट हो रहा है यू विल बी गेटिंग मोर क्वालिटी कॉन्टेंट मोर वेरी फॉर अभी हमने शाम को नौ बजे एक सेशन शुरू किया है आज भी आपकी क्लास रहेगी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था रात को एक बार देख लेना उस सेशन को मैं चाहूँगा आप को लाइव ही ज्वाइन करें इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी एक पार्ट है भारत क्या कर रहा है आज आप देखोगे जो खाड़ी देश है अभी हमने देखा ना यू ए की बात करी सऊदी अरब है इनके पास पेट्रो डॉलर्स है बहुत वेल्दी नेशन ये है ना बहुत सारा पैसा है पैसा कहाँ से आया सर क्रूड ऑयल से आया क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द मेजर मेजर फैक्टर क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेजर फैक्टर है उसको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो यहाँ पे क्या होगा अब आने वाले टाइम में चीजें चेंज हो रही है ठीक है एनर्जी के लिए हाइड्रोजन जो है ये माना जा रहा है फ्यूचर ऑफ एनर्जी फ्यूचर का फ्यूल इसको कह रहे हैं फ्यूचर का फ्यूल कह रहे हैं हाइड्रोजन से ऑलरेडी आपकी कार बसें चलने लग गई हैं एच हाइड्रोजन सी वाली बसें तो दिल्ली में रन कर रही हैं तो ये माना जा रहा है हाइड्रोजन जो है ये कंपेरेटिवली अच्छा फ्यूल है फ्यूचर का फ्यूल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं हम रॉकेट्स वगैरह में हमारे जो स्टार्स हैं तारे हैं सन हैं इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है हाइड्रोजन इज द मेजर फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल यू कैन से तो हम कह रहे हैं कि यार हम हाइड्रोजन बनाते हैं हाइड्रोजन बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं ठीक है तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन ड्रीम है उससे पॉल्यूशन के रिस्क बढ़ जाएंगे अब ये सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है क्या और भी कुछ कलर इसमें होते हैं कुछ कलर्स होते हैं देखो इनको ध्यान रखो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में दो तीन चीजें हैं ठीक है इन जनरल आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या है जो भी वाटर है पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने इस तरह से पास की और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उस प्रोसेस में हाइड्रोजन आपका बन के आ जाएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है इसके अंदर हमने पानी में जो बिजली पास करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी तो यू विल सी कि अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी है कि विंड एनर्जी हो गई सोलर एनर्जी हो गई मतलब ऐसी एनर्जी जिससे कोई कार्बन एमिशन नहीं है एक होता थर्मल पावर कोयले से एनर्जी है या गैस से कर रहे हो आप तो उसमें तो एमिशन होगा ना कोयले से जला रहे हो धुआं निकल रहा है कार्बन निकल रहा है तो वो तो आ जाएगा आपका ब्लैक हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन के अंदर ग्रे हाइड्रोजन में कई बार गैस और कोयला दोनों को रखते हैं कई बार केवल गैस को रखते हैं हैं फाइन तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का ये ये जो प्रोसेस है इसके अंदर तो प्रोसेसेस हैं लेकिन अगर मैं बात करूं सोर्स के आधार पे ये कलर डिसाइड हो रहे हैं कि अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी यूज किया है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर है ना तो फिर पिंक हाइड्रोजन है अगर आपने कोयला यूज किया है तो ब्लैक हाइड्रोजन है ग्रे हाइड्रोजन है अगर आपने गैस यूज किया है गैस ही यूज कर रहे हो और जो भी कार्बन का एमिशन हो रहा है, है ना उसको आपने वापस से कैप्चर कर लिया उस कार्बन को वापस से रिटेन कर दिया एटमोस्फियर में नहीं जाने दिया तो ब्लू हाइड्रोजन है तो आप देखोगे ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस सोर्स है नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है तो लिख लेना मीथेन होता है पता होगा वैसे तो आपको मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो जो मीथेन है ना वो यूज हो रहा है या नेचुरल गैस यूज हो रहा है तो ब्लू हाइड्रोजन भी गैस से ही आ रहा है और ग्रे हाइड्रोजन भी गैस से आ रहा है दोनों में फर्क क्या है फर्क है कि ब्लू हाइड्रोजन में आपने कार्बन को वापस से कैप्चर कर लिया है स्टीम रिफॉर्मिंग में क्या है जो मिथेन है उसको आप आ, जो स्टीम है उसके साथ में इस तरह से रिएक्ट वो कर रहे हैं और आई थिंक सॉलिड कार्बन फॉर्मेशन समथिंग वो पायरोलाइसिस में होगा ठीक है ये है तो सोर्स के बेसिस पे कलर डिसाइड हो रहे हैं अगर कोयला यूज कर रहे हो ब्लैक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हो पिंक हाइड्रोजन है टर्कोइज हाइड्रोजन में क्या है इसमें भी नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है प्रोसेस पायरोलाइसिस है इसमें क्या होगा बहुत हाई टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हो नेचुरल गैस को डिकम्पोज कर दे रहे हो जो मीथेन है उसका डीकम्पोजिशन है ना एट वेरी हाई टेम्परेचर तो इससे क्या होगा सॉलिड कार्बन के फॉर्मेशन में हमें कार्बन मिल जाएगा और इस तरह से हाइड्रोजन इस प्रोसेस में जनरेट होगा तो ये अलग अलग टाइप है ये प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा और इसको मान के चलो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब क्वेश्चन नहीं पूछा है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली क्या हो रहा है जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं काफी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं उनमें से कुछ टॉपिक पे यूपीएससी पूछ ही लेता है ठीक है तो दिस इज वन ऑफ सच टॉपिक येलो हाइड्रोजन में केवल अगर सोलर एनर्जी है तो होगा तो ये कलर कैसे आ रहे हैं कलर आ रहे हैं सोर्स के बेसिस पे कई जगह पे प्रोसेस भी इसमें रोल प्ले करेगा प्रोसेस में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कर रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कर रहे हैं अब इसमें हो क्या रहा है सरकार कह रही है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना चाहते हैं जैसे आज सऊदी अरब और यहाँ पे इतनी वेल्थ क्रिएशन हो रही है क्यों क्रूड ऑयल को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम ग्रीन uh, हाइड्रोजन को आने वाले टाइम में क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट आप तेल खरीदने उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो पैसा बच गया और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा और आएगा तो इंडिया के अंदर इनकम जनरेशन होगा और हम यहाँ पे भारत को एक रिच कंट्री बना सकते हैं लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया उभर सकता है सारे फायदे आप जानते हैं लेकिन यहाँ पे एक थिंक टैंक है वो कह रहा है कि देखो यार आपकी बातें सब अच्छी अच्छी हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है दिक्कत क्या है कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन आपका जो टारगेट है आपने टारगेट बना रखा है कि हमें जो है फाइव मिलियन टन इतना इतना बनाना है और उसके लिए हमें कितनी जरूरत है वन ट्वेंटी फाइव गीगा वाटर रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है ये एक्स्ट्रा है ऑलरेडी इंडिया कह रहा है कि हम जनरेट हंड्रेड गीगा 25, 2030, 2030 तक 500 सौ गीगा वॉट मतलब सोलर से क्रिएट करेंगे अभी इंडिया का कितना है बहुत ज्यादा डायनेमिक है ये डेटा जैसे अभी कहीं पे 130 लिखा है पांच दिन बाद आप देखोगे कहीं 140 है है ना फिर एक महीने बाद देखोगे एक सौ पचास क्योंकि ये तो चलता रहता है ना एडिशन चल रहा है इन प्रोसेस है तो 130-40 गीगावाट इंडिया का आज है वर्तमान में है एट प्रेजेंट और इसी में 140 में से 65 गीगावाट अकेले सोलर एनर्जी का है तो हम कह रहे हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट लाएंगे लेकिन इसके अलावा अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जाना है आप चाहते हो कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइजर हैं जो तो एनर्जी यूज कर रहे हैं उनको सोलर एनर्जी विंड एनर्जी मिलती रहे तो आपको एक्स्ट्रा में वन गीगावाट फाइव एड करना है आपका एडिशन क्या हुआ है दो में एडिशन है पंद्रह गीगावाट का जबकि हमें फोर्टी फाइव गीगा की जरूरत थी तो ये कह रहे हैं जब आपके इलेक्ट्रोलाइजर चलते रहेंगे हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए तो रात को वो क्या करेंगे क्या रात को सोलर एनर्जी मिल रही है ओके ये कह रहे हैं वैसे तो वो जो ग्रिड में है डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोरेज है काफी सारी चीजें होंगी उन पर वर्क करके इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं बट फॉर नाउ दिस पर्टिकुलर थिंक टैंक इज क्रिएटिंग द जेन्यून क्वेश्चन कि है ना आप कोल पावर का यूज करके अगर इलेक्ट्रोलाइजर्स को चला रहे हो कोयले का यूज़ करके चला रहे हो तो फिर इसमें दिक्कत ही है लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखो सरकार ने ये प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है आप चाहें तो इसको नोट कर लेना है ये दो बार हमने पढ़ा है आप चाहें तो जो नए बच्चे हैं इसको नोट कर लेना ये जो मैंने सर्कल मार्क करा है सरकार ने ये बताया है कि कौन सी हाइड्रोजन है उसको ग्रीन मानेंगे कौन सी हाइड्रोजन है उसको ग्रे या ब्लैक हाइड्रोजन में रखा जाएगा ठीक है गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा हाइड्रोजन प्रोडक्शन का प्रोसेस जिसके अंदर दो किलो कार्बन हाइड्रोजन पर के जी ऑफ हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन एक के जी अगर आप बना रहे हो इस प्रोसेस के अंदर टू के जी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अगर आपका निकल रहा है तो फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस नहीं है करंटली प्रोडक्शन वन के जी ऑफ ग्रे हाइड्रोजन एज इट इज नॉन एंड द नाइन के जी वर्तमान में जो प्रोसेस है हाइड्रोजन का उसमें नाइन के जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको आप ग्रीन तो कह ही नहीं सकते हो ये थोड़ा सा डिलीमा है जिसपे इसने चीजें मेंशन की है कलर ध्यान रख लीजिए प्रोसेस ध्यान रख लीजिए बेसिकली दिस दिसकॉइस हाइड्रोजन दिस इज ए काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वन देयर कुड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर श्योर ठीक है आपकी जो क्रैक प्रॉब्लम सीरीज है उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रखेंगे तो अच्छे से तैयार करिएगा सुपर रिच इनकम शेयर एबिंग क्लास मोबिलिटी इसमें बस एक पॉइंट ध्यान रख लो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक बहुत अच्छी चीज क्या हो रही है एक तो हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है टैक्स बेस क्या होता है कितने लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है जैसे मान लो सरकार कहती है कि यार हमें टैक्स से पैसा चाहिए या ज़्यादा पैसा हमें चाहिए क्योंकि तो अगर मान लो आज गवर्नमेंट सौ रुपये खर्चा करती है तो उसमें से लगभग सिक्सटी परसेंट के आसपास टैक्स से से पैसा आ रहा है अब गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ा देगी स्लेटर से वन फिफ्टी करती है तो गवर्नमेंट का टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए नहीं तो उधारी बढ़ती जाएगी उधारी बढ़ेगी एक साल दो साल पाँच साल बाद समस्या क्रिएट करेगी जैसे आज पाकिस्तान में कर रहा है श्रीलंका में कर रहा है तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए जो साठ रुपए है मैं कहूंगा कि ये साठ रुपए बढ़ के सौ रुपए होने चाहिए है ना ये सरकार कहेगी सौ रुपए हमारे पास आए लेकिन आएंगे कैसे वट इज द वे टू इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन मैं आपको पूछता हूँ टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने का तरीका क्या है कैन यू टेल क्या तरीका है कैन यू टेल है कोई बच्चा यू कमेंट सेक्शन कमेंट नहीं दिख रहा हाँ अभी दिख रहा है कैसे होगा टैक्स बढ़ाने के लिए आप कहोगे टैक्स रेट बढ़ा दो सर है ना अभी मान लो किसी चीज़ पे लेटर से अट्ठारह परसेंट टैक्स लग रहा है तो बढ़ा दो बीस परसेंट कर दो तो सब पे टैक्स रेट बढ़ाना शुरू कर दो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा लेकिन जब आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तो फिर टैक्स का बर्डन भी तो आएगा लोगों के ऊपर लोगों की जो डिमांड या फिर उनकी जो लेटेट से जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है कितना पैसा वो वाकई में खर्च कर रहा है वो कम हो जाएगी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होता है तो इस तरह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते फिर लोग टैक्स की चोरी और ये सब करना भी और शुरू कर देंगे वैन दे फाइंड कि हाँ टैक्स रेट अनरीजनेबली हाई है तो केवल ये तरीका नहीं है यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि पहले कितने लोग टैक्स दे रहे थे सौ लोग टैक्स दे रहे थे है ना अब इनमें से हम ऐसा करें कि हमारा 150 लोग टैक्स देने लग जाएं है ना पचास लोग ऐसे जिनको वाकई में टैक्स भरना चाहिए था जो नहीं दे रहे थे है ना या फिर पचास लोग ऐसे उनकी अब इनकम बढ़ गई है वो टैक्स के दायरे में आ गए तो ये हो गया टैक्स बेस का बढ़ना ये क्या है टैक्स बेस इतने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का क्या होता है कि आपका टैक्स बेस बढ़ जाए टैक्स बेस बढ़ जाए इससे टैक्स पेयर पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बेस भी आपका बढ़ जाएगा गवर्नमेंट इज बेसिकली सेइंग दिस या सीबीडीटी जो है सेंट्रल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है ये कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है अगर आप देखोगे कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो पहले साढ़े तीन करोड़ के आसपास लोग थे अभी साढ़े छह करोड़ लोग हो गए हैं पिछले आठ साल के अंदर अंदर 2013-14 का डेटा है जिसमें 3.3 करोड़ पीपल है और तो अभी ये टैक्स बेस हमारा बढ़ गया है क्यों क्योंकि 6.4 करोड़ पीपल ये हो गए हैं तो हमारा टैक्स बेस बढ़ गया वाइडन हो गया एक तो ये हो गया उसमें टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट बता दिया अब दूसरा आते हैं ये जो अभी कॉन्सेप्ट बताया ना इतना जो अभी गाना यहाँ पे गाया गया है गेटिंग दिस दिस इज इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हुए भी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी यहीं से पूछे जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरी एक और चर्चा इसी न्यूज से है देखो तो बार बार ये कहा जाता है कि इन बढ़ रही है और ये तो यहाँ पे जो सीबीडीटी है वो डेटा इस तरह से बता रहा है वो कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे चीजें अलग हुई हैं क्योंकि जो टॉप वन परसेंट वाले लोग थे उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है टैक्स में वो कम है ठीक है सुपर रिच जो टॉप वन परसेंट है तो उनका जो शेयर है वो थोड़ा सा कम हुआ है जबकि जो टॉप जो बॉटम ट्वेंटी फाइव परसेंट है इनका शेयर भी मार्जिनली बढ़ा है और जो मिडिल uh, वाले हैं मिडिल जो है इनकम ऑफ मिडिल दिस सेवेंटी फोर परसेंट ग्रुप इसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाने वाला टैक्स uh, में कंट्रीब्यूशन किया जाने वाला जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है पहले सेवेंटी फाइव पॉइंट एट था अभी बढ़ के सेवेंटी सेवन हो गया अब आपको ये याद नहीं रखना है कि ये सेवनटी फाइव था अब सेवेंटी सेवन है बस ये याद रखो हाँ बढ़ा है इसके लिए बढ़ा है जो मिडिल इनकम uh, जो ये वाला है उसके लिए भी बढ़ा है सुपर रिच वालों के लिए कम हुआ है तो दिस डेटा इज बेसिकली शोइंग कि ऐसा नहीं है कि वो इनक्वालिटी आपकी लगातार बढ़ रही है बॉटम पिरामिड पे जो लोग हैं या मिडिल वाले में जो लोग हैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंदर बढ़ रहा है इट मीन्स देअर इनकम लेवल आर गोइंग ग्रोइंग अप दिस इज अ काइंड ऑफ काउंटर यू कैन से काउंटरिंग दैट आर्ग्यूमेंट जो ये यह यहाँ पर कहा जा रहा था कि हाँ लगातार जो है इनक्वालिटीज बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं ये डेटा उसको थोड़ा सा एक काउंटर करता है इस तरह से इनकम इनइक्वेलिटीज वाइडन हो रही है ये डेटा हमें क्या बता रहा है ये तो कह रहा है नहीं थोड़ा सा सुपर रिच वाला है उनका ये कम हुआ है मतलब वो टैक्स कम पे कर रहे हैं तो कहीं कही ना कहीं इनकम भी कम हुई होगी उनकी इसलिए टैक्स कम पे कर रहे हैं जबकि जो बॉटम ट्वेंटी फाइव परसेंट है जो टैक्स पेयर में है ठीक है या जो मिडिल में है उनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है तो ये इनकम इन इक्वेलिटी जो बढ़ने की बात की जाती है उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे हमें मिल जाता है कि तो अगर इस पर क्वेश्चन बनाएगा वो डिफिकल्ट होगा

ना इससे क्या होगा इससे सरकार के पास टैक्स के माध्यम से अच्छा पैसा आएगा और उसमें वेलफेयर स्पेंडिंग बहुत अच्छी हम कर सकते हैं बेसिकली वी आर टारगेटिंग एज अ फिफ्टीन परसेंट ऑफ जीडीपी लेकिन उसके लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए है ना टैक्स की जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा ये सारा है। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एक ग्रीन लाइन दिख रही है ज्यादा है डायरेक्ट टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के कम्पेरिजन में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स कंपनियों पे लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके जीएसटी कस्टम्स है ना एक्साइज ड्यूटी ये सब आपके आएंगे डायरेक्ट टैक्स का इंडिया में क्या है ज्यादा है ये अच्छी बात है या बुरी बात है इनडायरेक्ट का कम है ये एक तरह से अच्छी बात मानी जाएगी क्यों क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो इनरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम सबको दे रहे हैं ना आज अगर मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खरीदने जा रहे हो तो कितना भी गरीब आदमी हो वो भी उतना ही टैक्स देगा कितना भी अमीर आदमी हो वो भी उतना ही टैक्स देगा इसको अच्छा नहीं माना जाता है गेटिंग दिस तो इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने चाहिए क्योंकि तो कि इंडिया में दर्शा रहे हैं कि हाँ ज्यादा ही है तो दीज आर दिंग्स जो आपकी इंपॉर्टेंट है ये सिम कार्ड वाला देखो अभी एक आ, बचा हुआ है आपका ये एक और न्यूज आपको देखने को मिलेगी आज हिंदू में इकोनॉमिक्स के पेज पे अब ये सेंसेक्स सिंह की है वो तो अलग बात है शेयर मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है है ना परसेप्शन और ये सब मैटर करते हैं अभी आप देखोगे जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं ना इसराइल वाला वो भी है थोड़ा सा मुद्दा बाकी ये कह रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड ने भी यहाँ पे चिंताएं बढ़ा दी हैं ये बॉन्ड यील्ड आपको समझा दिया था कल वाले लेक्चर में अच्छे से मुझे नहीं लगता दोबारा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत तो है ना यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा कोई ठीक है इसमें ऐसा नहीं है बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझा दिया mention है बस मेंशन है मेंशन है तो हमें तो आना चाहिए क्वेश्चन भी आपने कर लिया चलिए ठीक है साइंस एंड टैग में आपकी सिम वाली न्यूज़ छूट रही है ठीक है काफ़ी लंबा जोड़ा ये आर्टिकल है तो इसको देखो करते हैं आज मैं नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर तो ये आर्टिकल आपको करा देंगे डू नॉट वरी एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी ये देखो ये इतना कंटेंट इसी आर्टिकल का ही है तो इसको थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा है ना और जो भी पांच सात पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हैं इसमें आर्टिकल में ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स में अगर पूछ लेगा तो बन जाएंगी आपके लिए साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से सिम कार्ड को बोले डेफिनेटली उसको कवर कर देंगे लेकिन आज मैं इसको नहीं कर पाया है ना कुछ हेल्थ इशूज थे इससे दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव हैवे ग्रेट डे गट फो गेट टू लाइक दिस सेशन एंड बिकॉज आई वुड बी रिक्वायरिंग योर सपोर्ट मेक श्योर दैट वी सस्टेन दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव ठीक है तो सेशन को शेयर कर दीजिए आपको फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली लाइक like करना ना भूलें ओके okay? और जो भी आपको सेशन के बारे में लगता है डेफिनेटली उसको कमेंट भी करो बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आर विजिबिलिटी यूट्यूब का एल्गोदम इसी तरह वर्क करता है क्लियर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ दिस इज़ द आइडिया पी आपके इवनिंग तक अपडेट होते हैं और वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको गेटिंग दिस और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यू विल बी गेटिंग ऑन दिस टेलीग्राम आपकी इवनिंग में क्लासेस रहेंगी uh, क्रैक प्रॉब्लम सीरीज का नौ बजे का टाइम है एक एन चल रही है, और सात बजे आई विल ट्राई टू टेक बोथ द क्लासेज और क्योंकि कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लग रही हैं चीज़ें तो आई विल एन्श्योर कि दोनों ही क्लासेस आपकी ले लें लेकिन फिर भी अगर हम प्रायोरिटी पे अगर रखेंगे तो क्रैक प्रॉब्लम्स एमसीक्यू सीरीज विल बी ऑन प्रायोरिटी डाउट हो तो पूछ लीजिएगल देखो एक क्वेश्चन पूछा रेहान ने टैक्स इवेजन टैक्स अवॉयडेंस तो देखो टैक्स इवेजन तो हो गया साफ साफ आप चोरी कर रहे हो टैक्स अवॉयडेंस का मतलब है इलीगल नहीं है ये है ना दो देर को रूप सेल इम्प्लीकेशन यहाँ आपको देना चाहिए नहीं वो एक अलग बात है टैक्स अवॉइडेंस में क्या होगा आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो ठीक है इसमें टैक्स में छूट ले ली यहाँ कर दिया तो ऐसा टैक्स में छूट ले ली इट मीन्स यू आर यूजिंग द लीगल मीन्स लीगल रिमेडीज टू इंश्योर कि आपकी टैक्स की बचत होती है तो टैक्स अवॉइडेंस इज़ फाइन उसमें कोई इशू नहीं है मेन हमारा टैक्स इवेजन है जो कि टैक्स की चोरी है मेंस का क्वेश्चन आपका नहीं है मेंस का क्वेश्चन डाल देंगे आपका कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगा है ना प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट्स ऑल लेट्स रेप अप दिस सेशन हैव ए ग्रेट डे टेक यर गाइस